हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। 64th का देखिए आंसर की आ गया है, जारी हो गया है और उससे आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि आपका कितना सही हो रहा है और सिलेक्शन होगा नहीं होगा। बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि बाउंड्री पे होंगे और उनको लगता होगा कि पता नहीं होगा नहीं होगा। तो देखिए कट ऑफ जो है 90-92 से ज्यादा नहीं जाने का उम्मीद किया जा रहा है जनरल का, उसी अनुसार सभी कैटेगरीज का कट ऑफ रहेगा। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है और अगर आपके 90 के आसपास पे स्कोर आ रहा है तो आप मेंस का तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी समय वेस्ट करना भी ठीक नहीं है। अगर 63rd का मेंस दे रहे हैं तब तो आप 63rd का मेंस दे दीजिए, और अगर 63rd के बाद में कोई नहीं है तो 64th का मेंस में आप लग जाइए, क्योंकि उसके बाद आप 65th का है जो कि उम्मीद किया जा रहा है कि शायद फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे ही आएगा, लेकिन अभी उसमें कुछ मतलब संशय बना हुआ है, मतलब एग्जैक्ट कुछ कहना मुश्किल है, तो उसको आप वेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 64th अगर 90+ अगर आपका स्कोर आता है जनरल में यूआर में तो आपकी प्रिपरेशन में लग जाए, उसी अनुसार सभी लोगों का जो है उसी अनुसार कट ऑफ निर्धारित होगा तय होगा। तो अब जो है 64th में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि शुरुआत कैसे किया जाए, मतलब मेंस का प्रिपरेशन जो है इसका शुरुआत कैसे किया जाए, कौन से टॉपिक्स उठाया जाए, कौन सा सब्जेक्ट से शुरू किया जाए। तो आज हम लोग इस लेसन में उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखें तो आप जो है सिलेबस, जो भी आपका ऑप्शनल पेपर है, जीएस पेपर है, उसका सिलेबस को आप पहले समझें कि सिलेबस में क्या क्या चीज दिया हुआ है, कौन कौन से टॉपिक है, ताकि आपको दिमाग में रहे कि टॉपिक कोई छूटना नहीं चाहिए। सिलेबस पूरा तैयार करने को सोचिए, गेस क्वेश्चन के अनुसार तैयारी मत कीजिए, पूरा सिलेबस को तैयार कीजिए। तो आपको स्टडी करना है, सबसे पहला काम है वो है सिलेबस को। उसके बाद में आपको क्या कहना है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा है, जीएस का हो गया या फिर ऑप्शनल पेपर का हो गया, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है खासकर 60-62 से, हालांकि मैं उसको कई बार डिस्कस कर चुका हूं अपने चैनल पे, तो 60-62 का जो क्वेश्चन है उससे आपको एक अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार पैटर्न है क्वेश्चन का और किस प्रकार पूछ सकता है और आपके लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकता है और क्या ट्रेंड है। तो बहुत सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके साथ साथ अभी जो 63rd का जो मेंस होने वाला है जनवरी में, तो उसका भी क्वेश्चन जो है आपको 64th में बहुत हद तक मदद करेगा कि कैसे मतलब क्या पैटर्न हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी सरप्राइज कर सकता है, वो हमेशा कुछ नया कहने की कोशिश करता है और इस वजह से स्टूडेंट को परेशानी जो है ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 63rd का मेंस का क्वेश्चन किस प्रकार रहा और 60-62 का जो क्वेश्चन है उसका किस प्रकार, तो पूरा ट्रेंड को आप एनालिसिस कीजिए, पुराना ट्रेंड भी आप देख लीजिए, पहले का जो क्वेश्चन उसको भी देख लीजिए कि पहले क्वेश्चन कैसे टॉपिक्स उठाता था, क्योंकि मोर और लेस जो पहले का पैटर्न है वही है, बस इसमें नंबर बढ़ा दिया है और कुछ हल्का फुल्का चेंजिंग है, क्वेश्चन थोड़ा अप्लाइड कर दिया है। तो आपको क्वेश्चन का ट्रेंड जो है 60-62 से अंदाजा लग जाएगा, 63rd से अंदाजा लग जाएगा, लेकिन जो ट्रेडिशनल पेपर है वो पहले वाला ही रहेगा। तो आप पूरा सिलेबस को एनालिसिस कीजिए, उसके बाद में पूरा क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए, ये आपका सबसे पहला टास्क है अगर आप मेंस का प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप ये कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब सिलेबस को आप समझ चुके हैं, क्वेश्चन पेपर को आप एनालिसिस कर चुके हैं, ट्रेंड आपके अंदाजा लग चुका है, तब जाके आप जो है पेपर में आप घुसे, जीएस पेपर 1 पेपर 2। तो ऑप्शनल पेपर एक हो जाता है, ऑप्शनल पेपर को पहले आप देख लीजिए कि ऑप्शनल पेपर आपका किस लेवल पे है और आपको उसमें कितना मेहनत करना है। तो आप हर दिन का टास्क बना लीजिए कि मुझे जो भी है, आपके पास अगर 4 घंटा है तो 2 घंटा ऑप्शनल के लिए देना है, 2 घंटा जीएस के लिए देना है। तो ऑप्शनल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शनल ठीक है 300 नंबर का है, लेकिन ये जो है बाकी लोगों से थोड़ा डिफरेंट कर देता है, क्योंकि जीएस जो है सभी लोगों का कॉमन है, लेकिन ये जो है अगर आपका अच्छा पेपर है, अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका ऑप्शनल जो है थोड़ा हेल्प कर सकता है। तो पहला जो पेपर 1 में स्टैटिस्टिक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको या तो बहुत कठिन लगेगा, लगेगा कि मैं इसको छोड़ ही दूं, या तो फिर लगेगा कि बहुत आसान है। तो स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का डिपार्टमेंट, सांख्यिकी का जो एरिया है उस क्षेत्र को आप अगर आप एकदम बिल्कुल नए हैं तो अभी से कुछ ना कुछ उस पर आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिए, कुछ कुछ प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है परसेंटेज का, लाभ हानि का, जो भी आपको मतलब बेसिक मैथमेटिक्स का आप जानकारी जो है शुरू कर दीजिए। तो यहाँ से आप स्टैट शुरू कर दीजिए, जो अगर नए स्टूडेंट है अगर उनको लगता है कि स्टूडेंट स्टैट उनको पता है तो स्टैट अभी वो छोड़ सकते हैं। सबसे पहले आप जो है शुरुआत करें, जो मेरा मानना है वो करें आप हिस्ट्री से। हिस्ट्री जो है सभी के लिए इंटरेस्टिंग होता है और लगता है कि अपना पास्ट जान रहे हैं कि पहले का क्या समय था, और हिस्ट्री जो है बहुत महत्वपूर्ण आता है।
अगर हिस्ट्री में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है, तो सबसे पहला काम कीजिए आप हिस्ट्री को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसके बाद में फिर आप पॉलिटी, उसके बाद में इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इस तरह से आप कंप्लीट करें। अभी से आपके पास 4 महीना बचा हुआ है, इस 4 महीने का आप शेड्यूल बना लीजिए, रूटीन बना लीजिए कि 4 महीना है, अगर मान लीजिए अप्रैल मई में एग्जाम होता है, इस 4 महीना को कैसे फुल यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करने का मतलब हो गया कि पहला महीना में मुझे इतना से इतना टॉपिक कवर कर लेना है, सेकंड महीना में इतना इतना टॉपिक कवर कर लेना है। मैं जो एक रूटीन बनाया हूं, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आपको फायदा हो सकता है, लेकिन ये सभी का पर्सनल होता है। जैसे ये मैं, मुझे लगता है कि मैं इस रूटीन को फॉलो कर सकता हूँ, लेकिन आपका रूटीन हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन मैं जो रूटीन बना रहा हूँ अगर इसके अनुसार फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो सबसे पहले एक रूटीन बनाएं। तो मैंने जो भी जो बात किया उसको मैं फिर से अगर रिपीट कर दूं, तो सबसे पहले है कि आप सिलेबस को एनालिसिस कीजिए, फिर उसके बाद में क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कीजिए, फिर अगर स्टैट को, अगर लगता है कि स्टैट आपके लिए नया है तो स्टैट से शुरुआत कीजिए, कुछ कुछ हल्का फुल्का मैथ बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आप स्टैट में जानते हैं तो स्टैट को उसमें ड्रॉप कर सकते हैं। अब जो है बाकी जो बचा है वो है कि आप रूटीन बनाइए, आपके पास 4 महीना इसके लिए रूटीन बनाइए। पहला मंथ में आप टारगेट रखिए कि हिस्ट्री और पॉलिटी का जितना भी टॉपिक है उस टॉपिक को कवर कर लेना है। तो पहला मंथ जो है हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए रखिए, दूसरा मंथ जो है इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और स्टैटिस्टिक्स इसमें शुरू कर दीजिए, कुछ कुछ बनाना शुरू कर दीजिए। तो इकोनॉमिक, ज्योग्राफी के साथ साथ सांख्यिकी को भी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तीसरा महीना जो होता है वो होता है करेंट आर्टिकल्स, तीसरा महीना से करेंट आर्टिकल्स पे आप सारा कलेक्ट कर करके करेंट आर्टिकल्स आप पढ़ना शुरू कर दें, और उसके साथ साथ साइंस टेक को भी आप मिक्स करके पढ़ना शुरू करें। साइंस टेक चूंकि अप्लाइड होता है तो बहुत ज्यादा इसमें सोचना नहीं पड़ता है, आप सोचना तो पड़ता ही है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब आपको लगेगा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आप करंट आर्टिकल और साइंस टेक को आप इसको कवर कर दीजिए। उसके अलावा देखें तो चौथा महीना जो है, चौथा महीना में आप इसको पहले जो पढ़े हैं आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो आप पढ़े हैं, स्टैटिस्टिक्स, उसको आप रिविजन कीजिए। करेंट अफेयर्स को ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा कुछ जो न्यूज है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि अगर कुछ भी आर्टिकल्स लिखते हैं, कुछ भी अगर लिखते हैं आंसर, तो उसमें उसको आप ऐड कर सकें। तो इस कारण जो है करेंट अफेयर्स को आप जो फोर्थ मंथ में काफी तेजी से रिविजन कीजिए, और प्रैक्टिस स्टैट का जो है प्रैक्टिस काफी अच्छा से कीजिए, क्योंकि जब फिनिशिंग जो आपको एग्जाम देना है उसके पहले स्टैट का काफी अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये 4 महीने का अगर शेड्यूल बनाते हैं तो आपके प्रिपरेशन में काफी ज्यादा मदद कर सकता है। पहला महीना हिस्ट्री पॉलिटी के लिए रखिए, दूसरा महीना इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और स्टैटिस्टिक्स के लिए रखिए, और तीसरा महीना जो है करेंट आर्टिकल और साइंस टेक के लिए रखिए, और चौथा जो है सभी का रिविजन रखिए, और साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए और स्टेट वगैरह का प्रैक्टिस कीजिए। अब जो है ये जो रूटीन हो गया 4 महीने का, अब इस रूटीन को देखना है कि इस रूटीन को पढ़ा कैसे जाए। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो चलो पहला मंथ में खत्म कर लेना, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे। अब हम पढ़ने का मैं स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ कि पढ़ने के लिए आप कैसे इसको शुरुआत करें। तो हिस्ट्री में पहले आप टॉपिक सिलेक्ट कीजिए, सिलेबस आप देख चुके हैं, क्वेश्चन बैंक देख चुके हैं, क्वेश्चन का जितना भी अभी तक टॉपिक आया है उसमें से आपकी नजर में जो लगता है कि नहीं ये टॉपिक हॉट टॉपिक है, उस टॉपिक को आप लिखिए पन्ना पे, पेज पे, कॉपी पे, कहीं भी लिखिए, और उसको आप ध्यान में रखिए कि ये टॉपिक हॉट है, उसको पूरी तरह से तैयार कीजिए। तो पहले हॉट हॉट टॉपिक जितना भी है उसको तैयार कर लीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में और हॉट टॉपिक जो भी कवर कीजिएगा, आपको लगता है कि नहीं बहुत हॉट टॉपिक है, तो उसके सारे एस्पेक्ट्स पे कवर कीजिएगा, सारे पहलू पे, कि क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सारे पहलू पे जो है आप उसका आंसर तैयार कर लीजिए। उसके बाद में जो है आप ट्राई कीजिए उसको याद करने का जो आपने लिखा है। पहला तो आपने जो टॉपिक चुना है उसको आप बार बार पढ़िए, टॉपिक आपको कवर हो गया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, पहले मैं हॉट टॉपिक की बात कर रहा हूँ। सेकंड स्टेप में आप क्या कीजिए कि जितना भी आप टॉपिक जो सेलेक्ट किए हैं उसको मेमोराइज कीजिए, उसको पढ़िए बार बार, उसकी कहानी को समझिए क्या है नहीं है, और उसके बाद में जो सेकंड स्टेज में जो टॉपिक आप पहले कवर कर चुके हैं उसके अलावा और भी टॉपिक को कवर करने को सोचिए। तो हो गया दूसरा स्टेप। उसके साथ साथ आप आंसर लिखना भी शुरू करिए, जो आप क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री आप शुरुआत किए, हिस्ट्री का हॉट टॉपिक सेलेक्ट किए, हिस्ट्री में आप उसको बार बार पढ़ के याद भी किए, अब जो है हिस्ट्री में उसको लिखना शुरू कीजिए, उसको आप उस क्वेश्चन को आप 3 से 4 पन्ना, 2.5 पन्ना, 3 पन्ना में आप लिखने की कोशिश कीजिए, उसको लिखिए, अच्छा नहीं लगता उसको आंसर को फाड़िए, फिर से लिखिए, इस प्रकार जो है आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो ये हो गया पहला स्टेज, सेकंड स्टेज। तीसरा स्टेज में है कि जितना भी टॉपिक आपका बचा हुआ है, जिसे मान लीजिए कि आपका पहला महीना जो हिस्ट्री और पॉलिटी का था,
तो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी में आप हॉट टॉपिक कर लिए, उसके अलावा जितना टॉपिक आपको बचा हुआ है उस टॉपिक को एक एक करके सारे टॉपिक का आप नाम लिखिए, उसको कवर कीजिए और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखिए, तो इस तरह से आपका तैयारी होगा। जो चौथा है, जो सबसे लास्ट जो स्टेप होता है प्रिपरेशन का, वो होता है कि आप जो तैयारी किए हैं, जो आप नोट्स बनाए हैं, उसको आप शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करें। मतलब आप उसका मूल मूल बात जो होता है, इंपॉर्टेंट बात जो होता है, उसको आप कॉपी में लिखें, ताकि एग्जाम के समय आप बहुत तेजी से रिविजन कर सकें। आप उस पॉइंट को देखते ही आपका पूरा कहानी जो है आपकी नजर में दौड़ने लगे, तो इस तरीका से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, आपके साथ प्रैक्टिस, इसके साथ प्रैक्टिस भी आप, चूंकि मैं बोल दिया हूँ कि इसे हिस्ट्री और पॉलिटी है, तो आप पढ़ें, पहले सबसे पहले उसको पढ़ें, हॉट टॉपिक्स को चुनें, पढ़ें, पढ़ने के बाद में उसको मेमोराइज करें, बार बार पढ़ें तो कहानी ध्यान में आएगा। उसके बाद में उस पर तीन चार पन्ना में लिखने की कोशिश करें कि 2.5 पन्ना 3 पन्ना में क्या मैं इस पर डिटेल में कहानी लिख सकता हूँ, बिना कुछ देखे हुए आपको जो मन में आता है गलत सलत उल्टा पुलटा जो भी लिख सकते हैं, और आपको खुद ही लिखते समय पता चल जाएगा कि मैं कितना गलत लिखा हूँ, लेकिन कम से कम 3 पन्ना लिखिए, ताकि आपको एक अंदाजा लगे कि मैं इस प्रकार का अगर लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो ये प्रैक्टिस हो गया, और फिर उसके बाद में हो गया कि जो भी टॉपिक है उसको कवर कीजिए और फिर शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रूटीन जो आप जो बनाए हैं, ये जो रूटीन है इसको कंटिन्यू रखिए, इसको ब्रेकअप मत होने दीजिए। अगर रूटीन ब्रेकअप होता है तो आपका प्रिपरेशन बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है, क्योंकि प्रिपरेशन जो है एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है, तैयारी इसी को कहते हैं। तैयारी मतलब मैं तैयार हो रहा हूँ, ये प्रक्रिया हो गया। तो इस प्रक्रिया में आपको ब्रेक अगर लगता है तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो इस तरह का रूटीन फॉलो करते हैं जो कि मैंने आपको सजेस्ट किया, और इस तरह का रूटीन फॉलो करने पे आपका मेंस जो है 64th बहुत आसान हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि रूटीन कंटिन्यू रखें और फोकस्ड स्टडी रखें, बहुत ज्यादा चीजों पर नहीं पढ़ें। मेरे द्वारा जो है बहुत सारे ऐसे लेसन आएंगे जो कि टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, और बीच बीच में हम लोग लाइव आते हैं, तो वहां पर अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि संडे को, संडे कम से कम 1 घंटा लाइव आऊँ, ताकि आप लोग जो है क्वेश्चन पूछ सकें संडे या सैटरडे को, और इस दौरान जो है आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन के दौरान, प्रिपरेशन के लिए, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो है इस चैनल के थ्रू प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। तो अभी आपका शुरुआत, अगर शुरुआत कैसे करना है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कीजिए सिलेबस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, उसके बाद में आप हिस्ट्री पेपर से, अगर जीएस से स्टार्ट करते हैं तो हिस्ट्री पेपर से स्टार्ट कीजिए। ऑप्शनल सबका अपना होता है। अब हम लोग ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल अपना होता है। ऑप्शनल आपको इसी में, जैसे मैं जीएस के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि हिस्ट्री और पॉलिटी में बोल रहा, इसी में आपको ऑप्शनल भी शुरुआत करना होगा। मान लीजिए ऑप्शनल आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी आपका ऑप्शनल पेपर है, तो उसको आप शुरुआत कीजिए। उसमें आप देखिए कि आपका कैलिबर कहाँ तक पहुंच रहा है, क्योंकि ऑप्शनल तो आप ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। तो उसके बाद में आप शुरुआत पहला मंथ से ही शुरुआत कर दीजिए ऑप्शनल को, क्योंकि ऑप्शनल माने या ना माने आज भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है और काफी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि यही आपके बाकी लोगों से अलग करता है। तो इस पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना जरूरी होता है। तो ये मेरा सजेशन था, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा लगा होगा, और आप लोग अपना प्रिपरेशन जो है काफी जोश वोश रखें। कट ऑफ के लिए ज्यादा परेशान मत होइए, बाबा मैं बोलता हूँ, क्योंकि कट ऑफ जो है अब तो आप लोग इंतजार करेंगे कि अब फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे, पहले इंतजार कर रहे थे कि नहीं बीपीएससी का आंसर किया आएगा तब करेंगे, तो ये पेंडिंग में काम होता रहेगा। लेकिन हाँ ठीक है, इंतजार कीजिए, लेकिन आप प्रिपरेशन तो आपको मेंस का करना ही है, आज करें कल करें, अगर अभी आप मेंस का तैयारी कर लेते हैं तो बाद में आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रीलिम्स निकाल के तो कुछ होने वाला है नहीं, आपको मेंस निकालना ही होगा। तो मेंस के लिए स्ट्रेटजी जो है अभी से आप उसको फॉलो कीजिए और बनाइए और उसको आगे बढ़िए, तो फिर आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा होगा, फिर 64th आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और 64th कोई बड़ी चीज नहीं रहेगी, आप क्रैक कर सकते हैं। और बाकी जो है मैं आप लोग से जुड़ा रहूंगा, ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो हम लोग शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। ओके बाय बाय।